मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लिया है। रात्रि कालीन बाजार और दुकानें खोले जाने के आदेश को निरस्त किया है। वहीं इसके पूर्व 13 सितंबर 2023 को जारी हुए आदेश के मुताबिक इंदौर के निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक के BRTS के आसपास 100 मीटर के दायरे में दुकान 24 घंटे खुली रख सकते थे, जिसके लिए निर्धारित परमिशन एवं मापदंड का पूरा होना जरूरी था। वहीं जोन 2 DCP अभिनय विश्वकर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रात 11 बजे कलेक्टर DCP सहित 3 थानों के बल के साथ पुलिस महकमा, विजयनगर, लसूड़िया और MIT थाना क्षेत्र में सभी दुकान बंद करवाने के लिए निकले। और यह अनाउंसमेंट किया गया कि रात 11 बजे के तक अपनी दुकान बंद कर दे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। हाथीपाला को जवार मार से जोड़ने वाला पुल तैयार, नगर निगम ने तय समय में काम पूरा किया, जल्द ही शहरवासियों को मिलेगी सौगात। शासन प्रशासन के आदेश अनुसार कल रात्रि में ECP विजयनगर के नेतृत्व में कल लगभग 11:30 बजे सारी दुकानें जो खुली हुई थी उनको बंद कराया गया, जिसमें विजयनगर से लेकर लसूड़िया थाना क्षेत्र की जितनी भी दुकानें थी उसमें ECP विजयनगर और TI लसूड़िया और TI विजयनगर और हमरा फोर्स के साथ सारी दुकानों को शासन प्रशासन के निर्देशानुसार बंद कराया गया, जिसमें SDM ADM सभी लोग उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।